अयोध्या में राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भक्ति के आगे शायद सारी मुसीबतें छोटी पड़ गई हैं। भक्ति के ऐसे कठिन मार्ग पर चलने के बाद भी उनकी आस्था कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि और बलवित हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कैसे ही राम भक्त की भक्ति के बारे में, जिसकी भक्ति के आगे आप भी शायद नतमस्तक हो जाए। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या की सड़कों पर वैसे तो राम भक्ति की गूंज है, पूरा अयोध्या राममय है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी भक्ति एक अलग ही स्तर पर है। ऐसे ही एक शख्स हैं लेख राम सैनी, जो भक्ति के उस मार्ग पर चल रहे हैं जो अत्यंत कठिन है। कन्याकुमारी से अपने दो बेटों के साथ अयोध्या की यात्रा पर निकले लेखराम सैनी का सफर अत्यंत कठिन है। लेखराम सैनी कई हजार किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर रहे हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने इस यात्रा में 24 राज्य पार किए हैं और अब प्रभु का मंदिर बस कुछ ही दूर है। लेखराम सैनी के दोनों बेटे उनकी इस भक्ति में उनका सहयोग दे रहे हैं। राम मंदिर बनने का उत्साह लोगों में इस प्रकार से है कि कोई यहाँ पर पैदल पहुंच रहा है, कोई मोटरसाइकिल से पहुंच रहा है, कोई साइकिल से पहुंच रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दंडवत यात्रा कर रहे हैं और ये दंडवत यात्रा 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर नहीं बल्कि लगभग 9,500 किलोमीटर की है, जो कन्याकुमारी से अयोध्या तक की है। जो व्यक्ति ये सफर तय कर रहे हैं, दंडवत सफर कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके बेटे भी उनके साथ हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की यात्रा है और क्यों उन्होंने इस कठिन परिश्रम करते हुए इस यात्रा को पूरा करने का मन बनाया। जी क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? पहले तो मैं सभी को जय श्री राम, सभी राम भक्तों को, देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं लेखराम सैनी हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांव थणवास से हूँ और मैं 15 फरवरी को कन्याकुमारी गया, 18 को वहाँ पहुँचे, 22 फरवरी को वहाँ से संकल्प लेके अन्न का त्याग करके और इस यात्रा का शुभारम्भ किया प्रभु के चरणों तक। तो बड़ी लंबी यात्रा है, कितनी दूरी है, कितना समय लग रहा है, बेटों को भी आपने साथ में ले लिया, ग्रस्त व्यक्ति हैं, कितना संघर्ष रहा, रास्ते के क्या अनुभव रहे? अनुभव ये रहे कि मैं कन्याकुमारी से चला तो दिल्ली तक 14 राज्य तो मैं पदयात्रा आपको बता देना चाहता हूँ और दिल्ली से ये 750 किलोमीटर है मेरी दंडवत परिक्रमा, 11 महीने का सफर रहा है, 9,500 किलोमीटर की मेरी यात्रा होगी और कठिनाइयाँ बहुत आई हैं रास्ते में, लेकिन वो बस प्रभु का नाम मन में था, उनको जपते रहे, चलते रहे, नैया पार हो गई, प्रभु के चरणों में आ गए, अब तो 10 किलोमीटर अयोध्या बचा है। और ये बेटे मैंने दिल्ली से साथ लिए हैं, दिल्ली से ये दंडवत परिक्रमा थी, दूसरा कोई इतनी मदद कर नहीं पाएगा और ये पढ़ते हैं, एक बीए फाइनल में, एक बीए फर्स्ट ईयर में, इनके कॉलेज में बात करके इनको साथ लेके आया हूँ, 4 महीने से ये मेरे साथ चल रहे हैं। बस भगवान का भव्य मंदिर बन गया, संस्कृति उजागर हो गई, इससे बड़ा और क्या चाहिए। वहाँ पहुँचेंगे, एक जो समय था काफी लंबा समय था वो व्यतीत हो गया, आपकी भी यात्रा एक लंबा समय पूरा कर रही थी, वो भी वहाँ पहुँच कर प्रभु से क्या मांगेंगे? प्रभु से मांगेंगे प्रभु विश्व का कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबका सम्मान करें, बस यही मांगेंगे प्रभु से। अच्छा, तो अन्न जल का भी त्याग किए हुए हैं कि क्या, किस तरीके से? अन्न में 11 महीने से त्याग कर रखा है, शाम को एक टाइम फलाहारी करते हैं और दिन में चाय पानी सेवन करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं, चलते रहते हैं। अच्छा, रात्रि का समय भी आता होगा तो कहाँ रुकते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या प्रबंध होता है? रात्रि के समय में कहीं ना कहीं व्यवस्था अपना बहुत बड़ा भारत पड़ा है, कोई ना कोई आपकी तरह धर्मात्मा कहीं ना कहीं प्रभु के भेष में मिलते हैं और छोटी मोटी व्यवस्था कहीं ना कहीं हो जाती है, वहीं अपनी रात गुजार लेते हैं और सुबह नहा धो के प्रभु का नाम लेके चल देते हैं। तो देखिए, भगवान राम में ऐसी भक्ति है कि दूरी छोड़िए, गृहस्थ जीवन छोड़ दिए, इसके साथ ही अपने बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे थे उनको भी अब अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन सैनी है। तो पिताजी की मंशा को पूरा करने के लिए बेटे आगे आ गए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या रास्ते में क्या अनुभव मिल रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं और आप आगे इसको लेकर चल रहे हैं, दूसरा गद्दा डाल रहा, ये कैसे ड्यूटी परिवर्तित होती है क्या? नहीं नहीं, ड्यूटी परिवर्तित नहीं होती, मैं रेगुलरिटी से इसे आगे लेके चल रहा हूँ, ये मेरा बड़ा भैया इसे गद्दे को बिछाता रहता है। तो आप भी पूरा रास्ते भर ही आ रहे हैं गद्दा बिछाते हुए,
ये जो गद्दा इधर किनारे से कट गया है ये किस कारण से? ये हाथ बार पकड़ने से तो उठाने से पकड़ने से कट जाता है। काफी घस भी चुके हैं 750 किलोमीटर में, ये शायद 5/6 गद्दा है और इससे पहले घस चुके हैं। अच्छा। और हम अक्टूबर में आए थे, 18-19 अक्टूबर को हम दिल्ली आ चुके थे, 22 अक्टूबर के समथिंग हमने यात्रा शुरू की थी और अभी इस 22 को यहाँ पर भी हमको 4 महीने संपूर्ण हो जाएंगे यहाँ पर यात्रा करते हुए पापा जी के साथ, और इनको 11 महीने संपूर्ण हो जाएंगे। इन्होंने 22 फरवरी से कन्याकुमारी से यात्रा प्रारंभ की थी और इनका 15 फरवरी का टिकट मैंने बुक करवाया था, 18 को ये वहाँ पर पहुंचे थे, 22 को अन्न का त्याग करके इन्होंने संकल्प लिया था और तब ये मानो 8,500 किलोमीटर दिल्ली तक पैदल करके आ चुके थे। तब इन्होंने हमको बताया कि भाई मैं दंडवत करना चाहता हूँ, क्या मेरी मदद करोगे? तो मुझे पूछने की क्या बात है, हम आपके साथ हैं, जब आप 7,500 किलोमीटर कर सकते हो क्या हम 750 किलोमीटर नहीं कर सकते? इसीलिए बस ये छोड़कर बस जो राम का नहीं वो अपने माँ बाप का नहीं, इसी के साथ हम अपने धर्म को देखते हुए अपने माता पिता की आज्ञा को देखते हुए। बात है, लेकिन अक्सर मूवीज में और तमाम जगह बातें आती हैं कि पिता जो होते हैं बेटों पर ऑर्डर चलाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा देखने को मिल रहा है, पिताजी से यात्रा पे निकले बेटे अपने आप से आगे निकले। और लोगों की मानसिकता है, अब हर किसी का समझने का जरिया एक नहीं होता है। देखो परम पिता परमात्मा, पिता ही परमात्मा के बराबर है, माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है, और उन्होंने जो सोचा है वो बेटे के लिए कभी बुरा नहीं हो सकता, वो अपने बच्चों का हमेशा भलाई सोचेंगे। ऐसा कोई पिता नहीं है सृष्टि में जो अपने बच्चों का अहित सोचेगा कि भाई मेरा बेटा का नुकसान है, वो गलत रास्ते पर चले। पिता चाहे कितना ही गरीब हो, कितना ही फक्कड़ हो, कितना ही कैसा भी हो, लेकिन वो चाहेगा कि जहां तक मैं हूँ मेरा बेटा उससे भी ऊपर तक देखे, वहां तक जाए, उसकी सोच बने। इसी के साथ हमने इनसे बिना कुछ सवाल जवाब किए हम इनके साथ आगे। मैं जैसा आप कहेंगे भाई ये तो 750 किलोमीटर आप अगर हमको 7,500 किलोमीटर कराओ तो भी हमको तैयार है, हमने ये प्रण लिया कि जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी हम बीच में घर नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके साथ चलते रहेंगे, जब यात्रा पूर्ण होगी तभी आपके साथ वापस घर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए यात्रा भक्ति में लेकर वो निकल रहे हैं, लेकिन संस्कार उनके बेटों के बहुत उच्च हैं। एक पिता को पूरी तरीके से सहारा देने के लिए बेटे लगातार कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, रास्ते में जो स्थान सुरक्षित मिलता है वहां पर रुक जाते हैं, और सबसे बड़ी बात जो यात्रा कर रहे हैं सैनी जी वो एक समय का सिर्फ अन्न ग्रहण करते हैं, फल लेते हैं, अन्न वहां पर कोई प्रकार का वो ग्रहण नहीं करते, सिर्फ फल आदि प्राप्त करते हैं। अयोध्या से अनादि टीवी के लिए समीर कनकी के साथ मैं निकेश मिश्रा। जहाँ